आज जिस तरह श्री अन्न को प्रमोट किया जा रहा है उससे हमारे छोटे किसानों को बहुत फायदा होगा। इस क्षेत्र में ऐसे स्टार्टअप के ग्रोथ की संभावना भी बड़ी है जो ग्लोबल मार्केट तक किसानों की पहुंच को आसान बनाए। साथियों, भारत के सहकारिता सेक्टर में एक नया रिवॉल्यूशन हो रहा है। अभी तक ये देश के कुछ एक राज्यों और कुछ एक क्षेत्रों तक ही सीमित रहा है, लेकिन अब इसका विस्तार पूरे देश में किया जा रहा है। इस बार के बजट में कोऑपरेटिव सेक्टर को टैक्स संबंधी राहतें दी गई हैं जो काफी महत्वपूर्ण है, और अब तो हमने कोऑपरेटिव मंत्रालय ही अलग बना दिया है। अब आगे मैन्युफैक्चरिंग करने वाली नई सहकारी समितियों को कम टैक्स रेट का फायदा मिलेगा। सहकारी समितियों द्वारा 3 करोड़ रुपए तक की नगद निकासी पर टीडीएस नहीं लगेगा। कोऑपरेटिव सेक्टर के मन में हमेशा से एक भाव रहा है कि बाकी कंपनियों की तुलना में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। इस बजट में इस अन्याय को भी खत्म किया गया है।